धर्म के लिए हमें कुछ करना है, देश के लिए हमें कुछ करना है, अगर इन उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ता है तो भले ही हमारे लिए वह सफलता मिले या ना मिले, लेकिन आदमी के उद्देश्यों के कारण से उसे उसका सुख मिलता है, उसे उसका पुण्य भाव हमेशा सहयोगी बनता है और उसे हमेशा ये बात समझ में आती है कि हमने जो कुछ भी किया है अपने जीवन में दूसरों के हित के लिए किया है, वह हम हित पूरा कर पाए या ना कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन हमने अपने उद्देश्य में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी। तो क्या होता है, आदमी के हाथ कोई चीज लगे या ना लगे, लेकिन वह अपने आप में संतुष्ट रहता है। अगर आप धर्म की सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो ये आपके उद्देश्य आपके जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और आप अगर किसी भी तरह की कोई प्राप्ति ना भी कर पाए, उपलब्धि ना भी कर पाए, तो भी आपके लिए हाथ मलने वाली स्थिति नहीं आती है। हाथ मलने का काम कब होता है, जब हम कोई चीज को पाने के लिए तत्पर हो और उस समय पर हमारे लिए उद्देश्य तो कुछ ना हो, लेकिन हम केवल बस उस चीज पर दृष्टि रख रहे हो, वो चीज हमें मिल जाए और नहीं मिल पाए, तब हाथ मलना कहा जाता है। हम इसी तरह से समझें कि अगर हमारे सामने धनुष चलाने का अवसर आया, हम युद्ध में थे और उसी समय पर क्या हुआ, हमने कमान तानी और डोरी टूट गई। अब वहां पर कुछ भी उपाय नहीं है दूसरा धनुष लाने का, उस डोरी को बांधने का, तो ये क्या होगा, ये हाथ मलना होगा। मनुष्य जन्म को प्राप्त किया, हम और भी बहुत सारे कामों में लग गए, लेकिन अगर हमारे सामने एक अच्छा उद्देश्य होता तो शायद हमें हाथ नहीं मलना पड़ता। और वो अच्छा उद्देश्य क्या हो सकता है, दुनिया के सामने दो चीजें होती हैं, या तो हम दूसरे का कल्याण करें या हम अपना कल्याण करें, स्वकल्याण या पर कल्याण। कभी कभी व्यक्ति जब देश की, समाज की, धर्म की सेवा में जुटता है तो अपना एक उद्देश्य बना लेता है कि मुझे पर कल्याण करना है। लेकिन जैन आचार्यों की ये विशेष बातें रही हैं कि उन्होंने कहा है कि पर कल्याण के साथ में भी स्वकल्याण का ध्यान रखना, और कभी कभी तो यह भी कहा गया है कि स्वकल्याण ज्यादा महत्वपूर्ण है, पर कल्याण इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जैन धर्म के अंदर ये जो एक सिद्धांत है स्वकल्याण का, यह अन्य धर्मों से हमें थोड़ा सा अलग करता है। जब चंद्रगुप्त ये मन बना लेता है कि मुझे सन्यासी होना है, सन्यासी होना है माने मुझे जैन धर्म में दीक्षा लेना है, तो चाणक्य को यह पता पड़ता है। चंद्रगुप्त अपनी बात को बताने के लिए चाणक्य के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, तो चाणक्य पहले से ही बोलने लग जाते हैं, मुझे पता है तुम क्या कहना चाह रहे हो, आपको कैसे पता, मुझे पता है कि मेरे आसपास क्या होता रहता है, मैं जान रहा हूं। तुम ये संन्यास लेना चाह रहे हो माने तुम ये सब समाज सेवा छोड़ना चाह रहे हो, ये आत्मकल्याण का मार्ग ये तुम्हारे दिमाग में बस गया है, ये एक तरह का सामाजिक अभिशाप है। चाणक्य क्या बोलता है, ये एक तरह का सामाजिक अभिशाप है, हमें दुख है कि तुम इसकी गिरफ्त में आ गए, लेकिन कोई बात नहीं, तुम संन्यास लेना चाहते हो, तुम अपना कल्याण करना चाहते हो, करो, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। मतलब विचारों का द्वंद आप इस डायलॉग में समझ सकते हो, विचारों में मतभेद आप इस डायलॉग में समझ सकते हो। चाणक्य कहता है कि मुझे समाज सेवा करनी है, मुझे देश का कल्याण करना है, मुझे समाज के हित में काम करना है, मैंने यह मन बनाया है। और चंद्रगुप्त क्या कहते हैं कि समाज कल्याण बहुत हो चुका, मुझे अब आत्म कल्याण करना है। तो चाणक्य उस बात को एक अभिशाप के रूप में वहां कहते हैं, उनकी दृष्टि में क्या है, ये एक सामाजिक अभिशाप, यानी आत्म कल्याण करना एक सामाजिक अभिशाप के रूप में वो वहां कह रहे हैं कि ये तुम भी इस बुराई में फंस गए,
माने उनकी दृष्टि में वो चीज अच्छी नहीं है। ये बात आपके लिए ध्यान रखने योग्य, बात वास्तविक है। दुनिया में किसी भी धर्म के अंदर आप देखोगे पर हित की बात तो कही गई है, लेकिन स्वहित की बात सिर्फ और सिर्फ तीर्थंकरों के द्वारा कही गई है, जैन धर्म के अंदर कही गई है। आचार्य यहां तक भी कहते हैं आद हिदम कादब्बम, पहले आत्महित कर लेना चाहिए। जय सक्कई पर हिदम च कादब्बम, यदि समर्थ हो तो परहित करना, अगर समर्थ नहीं हो तो आत्महित तो कर ही लेना। अब आप सोचें कि परहित करना आसान है कि आत्महित करना आसान है, समझ आ रहा है? अलग अलग दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो परहित करना लोगों को आसान लगता है, लेकिन परहित में भी कठिनाई है, और परहित के अनुसार अगर हम चलते हैं तो कभी कभी परहित में इतनी बुद्धि लग जाती है कि फिर आत्महित करने की बुद्धि बनती नहीं है, तो आत्महित उससे भी ज्यादा कठिन हो जाता है। तो जितने भी चिंतक हुए उनके अंदर ये द्वंद रहे, परहित में लगे कि आत्महित में लगे। जैन तीर्थंकरों ने कहा कि पहले आत्महित के बारे में सोचो, क्योंकि परहित करते हुए कहीं तुम्हारी उम्र पूरी हो गई, समय तुमसे चला गया, मनुष्य जन्म मिला था, तुम परहित में लग गए और कुछ नहीं कर पाए तो क्या होगा? हत्था मलेब्बा, क्या करना पड़ेगा? हाथ मलते रह जाओगे, क्योंकि परहित का कोई भी उसकी सीमा नहीं है। संसार हमेशा से है, हमेशा से रहेगा, संसार में लोग हैं, चलते रहेंगे, हमेशा दुखी लोग मिलेंगे, हमेशा गरीब लोग मिलेंगे, हमेशा अनाथ लोग मिलेंगे, हमेशा असहाय लोग मिलेंगे। आप कितने भी जन्म धारण करते रहोगे तो भी आप इस गरीबी को, इस असहायता को, इस अनाथता को कभी दूर नहीं कर पाओगे। और ये बातें बिल्कुल बेईमानी है कि अगर कोई कहे, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, कोई भी पार्टी वाला व्यक्ति अगर ये बात कहता है कि मैं गरीबी इस दुनिया से दूर कर दूंगा, तो ये सबसे बड़ी बेईमानी की बात है, ये सबसे बड़ा झूठ है। दुनिया के अंदर से गरीबी कभी दूर नहीं हो सकती, कोई नेता कभी इस गरीबी को दूर नहीं कर सकता, क्योंकि ये गरीबी साथ में चलने वाली चीज है अमीरी की तरह। जैसे दिन के साथ में रात रहती है, ऐसे ही गरीबी के साथ अमीरी ये चलेगी, सुख के साथ दुख चलेगा, धूप के साथ जैसे छाया चलती है वैसे चलेगी, इसको कोई दूर नहीं कर सकता। तो ये बातें सब बेईमानी है कि अगर कोई कहे कि मैं इस सत्ता में आ जाऊं तो मैं गरीबी दूर कर दूंगा, कभी किसी की गरीबी दूर नहीं हो सकती। आप कितनी चीजें मुफ्त में बांट लें, कितने भी आप प्रलोभन दे लें किसी के लिए, कितनी तरह की योजना बना लें, कभी किसी की गरीबी दूर नहीं हो सकती। हर आदमी के अंदर गरीबी उसके मन में बसी हुई है, वो गरीबी बनी ही रहेगी। आदमी के अंदर हम समाज सेवा के माध्यम से जब ये भाव देखते हैं कि उसे परहित करना है, परहित करना है, तो आप ये भूल जाते हैं कि परहित करने में अपना हित कितना है। तो कई लोग कहते हैं परहित में ही अपना हित समाया हुआ है, लेकिन तीर्थंकर कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अपना हित अलग से करना पड़ता है, परहित अलग चीज है, और परहित करते हुए आप संतोष थोड़ा सा ले सकते हो कि हां इसमें भी आत्महित निहित है, लेकिन वास्तव में आत्महित तो अलग से करना पड़ता है। चंद्रगुप्त भी है, वह बहुत बड़ा साम्राज्य का एक बहुत बड़ा राजा है, मुकुटबद्ध राजा, अंतिम मुकुटबद्ध राजा माना गया है वो। इतना बड़ा अखंड साम्राज्य का अंतिम वो नायक था, जो राजा होते चले आ रहे थे उनमें ये अंतिम राजा था जिसने मुनि दीक्षा को अंगीकार किया। आचार्य भद्रबाहु के पास में वो गए, संन्यास धारण किया, उसके बाद में कोई भी ऐसा अखंड भारत का कोई राजा नहीं हुआ जिसने संन्यास धारण किया हो, वो अंतिम राजा माने जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और उन चंद्रगुप्त ने भी ये समझ करके कि मैं अगर परहित में ही लगा रहूंगा तो मुझे समय नहीं मिलेगा
और ये समय जो मेरे हाथ से जा रहा है फिर बाद में मुझे हाथ ही मलना पड़ेगा। ये गाथा शायद उनके सामने रही होगी। जिसने मनुष्य जन्म को प्राप्त करके तीर्थंकरों के बताए हुए धर्म को नहीं जाना, जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए धर्म को नहीं जाना, वो कभी अपना आत्महित कर ही नहीं सकता। तो यहां जिनेंद्र भगवान के धर्म को नहीं जानने का मतलब क्या? मैं ये नहीं कह रहा कि जिनेंद्र भगवान के धर्म को मानना। आत्महित की बात अगर कहीं मिलेगी तो आपको जैन धर्म के अंदर ही मिलेगी। परहित करने के लिए अनेक लोगों ने प्रयास किए और परहित करने वाले लोगों की खूब प्रशंसा होती है दुनिया के अंदर। इन्होंने समाज सेवा के बड़े काम किए, इन्होंने देश सेवा के बड़े काम किए, उनके नाम खूब लिए जाते हैं, उनकी खूब स्टैच्यू बनाई जाती हैं, उनके ऊपर खूब माल्यार्पण किया जाता है, उनको लोग मानते हैं, उनको अपना आइडियल बनाते हैं। किनको? जो परहित में अग्रणी होते हैं। बुरा नहीं कह रहा हूं, अच्छा है, लेकिन जैन धर्म की ये जो विशेषता है वो आपको ध्यान में रखनी होगी कि अगर मनुष्य जन्म प्राप्त करके आप केवल परहित 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 में लगे रहे और आपने आत्महित नहीं किया तो आपको जरूर अंत में असंतोष होगा, आपको हाथ मलने जैसी स्थिति बनेगी जो यहां कहा जा रहा है। क्योंकि आत्महित करने के लिए आपको परहित का भी संकल्प छोड़ना पड़ेगा। आप सोचें कि जैन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो कितने बड़े सम्राट थे, वो चाहते तो कितने ना लोगों का क्या हित नहीं कर सकते। अब हित में क्या करोगे? आप इतना ही कर सकोगे कि लोगों को सबके पास में उनकी रोटी दे दो, लोगों को आजीविका के साधन दे दो, भाई भूखो नहीं मरे, आदमी दो टाइम की रोटी खा ले, चैन की नींद सो ले, इतने से भी क्या उसका हित हो गया? और ये हित करना उन समर्थ राजाओं के वश की बात थी और उन्होंने कर भी लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें लगा कि इस हित से भी कोई अपना हित होने वाला नहीं है, तो उन्होंने क्या किया? संन्यास धारण किया। तो जब वो चाणक्य के पास पहुंचे तो वो कहते हैं कि मैं अब जैन मुनि के पास जा रहा हूं। तो चाणक्य कहते हैं ठीक है, तुम कहीं भी जाओ, लेकिन मैं समाज सेवा करने के लिए कटिबद्ध हूं, मुझे समाज सेवा करना है, मैं समाज को आगे बढ़ाऊंगा, मैं देश चलाऊंगा। तो एक बहुत बड़ा यहां पर एक वैचारिक मतभेद आप देख सकते हो, और वह मतभेद होते हुए भी दोनों ने अपना अपना रास्ता अलग अलग रखा, विवाद नहीं किया। उनका मन हुआ स्वहित करने का तो चाणक्य ने उन्हें जाने दिया। ये बात अलग है कि हिंदू धर्म में यह नहीं बताया जाता कि चाणक्य ने भी अंत में आखिर क्या किया, जैन धर्म में वो बताया गया है। चाणक्य ने भी अंत में संन्यास धारण किया है, चाणक्य ने भी अंत में अपने अंदर आत्मकल्याण की भावना से उस सब समाज सेवा का त्याग किया और वह भी एक साधु बने, और अंत में उनके ऊपर भी एक बड़ा उपद्रव हुआ, उपसर्ग हुआ, और उसमें भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया, समाधि धारण की। इस तरह का पूरा ज्ञान आपको जैन धर्म में दिया जाता है, बताया जाता है, और ये आचार्यों ने लिख रखा है। तो ना आपके पास में चाणक्य की पूरी जानकारी है, ना आपके पास में चंद्रगुप्त की जानकारी है। जीवन के अंत तक क्या होता है ये बात अगर हम नहीं बताते हैं तो कहानी अधूरी रहती है। और ये कहानी सीखने के लिए आपको एक पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जैन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से पुस्तक है, और वह पुस्तक ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, और उस पुस्तक के ऊपर अनेक स्कूलों में अभी परीक्षा का कार्य चल रहा है, जो यहां के कुछ बच्चे आगे आकर के कर रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप समझें, जिन महापुरुषों को आप जिस रूप में देख रहे हैं वो आपका एकांगी दृष्टिकोण है, आप उनकी पूरी कहानी भी देखें कि उनका अंत किस रूप में होता है, और वो पुस्तकें यहां उपलब्ध हैं। जब भी आपके पास में कोई भी विधायक सांसद आते हैं आप उन्हें वो पुस्तक जरूर भेंट किया करें, एक चंद्रगुप्त मौर्य
और एक भरत का भारत, ये दोनों पुस्तकें यहां उपलब्ध हैं। और ये दोनों पुस्तकें ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें हर एक पढ़े लिखे व्यक्ति के पास तक पहुंचनी चाहिए। विचार उसके अंदर तभी आएगा जब वह कुछ पढ़ेगा और पढ़कर के उसमें समझ आएगा कि हां भाई इस चीज का यह अंत इस तरह से कहा गया है। तो आचार्य कहते हैं अपना आत्महित करने के लिए अगर व्यक्ति तत्पर होता है तो इसमें उसे कभी भी हाथ नहीं मलना पड़ेगा, क्योंकि जिसने आत्मकल्याण कर लिया, आत्महित की बात सोच ली, तो अब हाथ मलने को बचा क्या? परहित करने के बाद भी आपको हाथ मलना पड़ सकता है, लेकिन आत्महित करने के बाद आपको हाथ नहीं मलना पड़ेगा। तो जो भी समाज सेवी लोग हैं, देश की सेवा करने वाले लोग हैं, उनसे हम इतना ही कहना चाहते हैं आप देश की सेवा कीजिए, समाज की सेवा कीजिए, लेकिन जब आपको लगे कि हमने समाज सेवा कर ली, हमारी उम्र 3/4 गुजर गई, 1/4 बची है, सुन रहे हो कि नहीं? अब कहोगे हमारी उम्र कैसे हमें पता पड़ेगी, सबको सब पता रहती है। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमने अपनी उम्र का 3/4 भाग परहित में लगा दिया है, तो आचार्य कहते हैं 1/4 भाग अपने को स्वहित में लगाने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। यानी उस समय पर हम अब दूसरों की चिंता में ना पड़ करके आत्महित के लिए तत्पर हों, वही बातें सुने, वही बातें पढ़ें, जिससे कि आत्मा की धारणा हमारे अंदर बने, अपने स्वरूप को जानने का हमारे अंदर ज्ञान आए। और हम केवल उतनी चीजों को पढ़ने के लिए भी हमारे पास में बहुत साहित्य होता है, बहुत चीजें होती हैं जिसमें आत्महित छिपा होता है। ऐसे उपदेश, अध्यात्म के उपदेश आपके लिए निरंतर मिलते रह सकते हैं, और उन उपदेशों को ग्रहण करके हम उसके अनुसार अगर हम अपनी मनोवृत्ति बनाते हैं तो आपको कभी भी हाथ मलने की नौबत नहीं आएगी। यहां पर यह हाथ मलने का जो भाव है, यह इसीलिए है कि आदमी इस मनुष्य तट पर आ गया, तट के बहुत निकट आ गया, माने संसार के किनारे पर आ गया, और यहां किनारे पर आने के बाद में उसे क्या करना चाहिए था? एक हाथ और मारना चाहिए था बस, और वो किनारे पर आ जाता, संसार से पार उतर जाता। वो एक हाथ मारने वाली क्या बात है? जो वहां पर आने के बाद में वह गाफिल होने लग जाता है तो पुनः वह उसी मजदार में चला जाता है। वहां पर आने के बाद में उसे लगता है अरे भाई ऐसे सुख, ऐसी 5 इंद्रियों के वैभव, ऐसा राजत्व, ऐसा साम्राज्य, इतनी लग्जरी लाइफ, ये तो पहले कभी मिली ही नहीं होगी। बस ऐसा उसने जहां सोचा और उस वैभव में जहां हुए भ्रमित हुआ, बस वहीं से वह पुनः रिवर्स होना शुरू हो गया। जो उसने प्राप्त किया है उस किनारे पर आकर के उसे एक हाथ और मारना चाहिए था कि इसको भी मैं एक हाथ मार के पीछे कर दूं। क्या सुना? जो उसे उस मनुष्य जन्म में उपलब्ध हो गया है उसे भी वह एक हाथ मार करके पीछे करने की हिम्मत ले आए, इसको भी मैं पीछे कर दूं, इसको भी मैं छोड़ दूं, इसको भी मैं अपने मोह से हटा दूं। बस जहां उसने ये हिम्मत की वहीं उसके सामने मुक्ति खड़ी हुई है, माला लिए हुए हाथ में खड़ी हुई है कि बस तू इसको पीछे कर और मैं तुझे माला पहना दूं। कौन सी माला? मुक्ति माला। वह मुक्ति की स्त्री खड़ी रहती है किनारे पर, लेकिन वो किनारे तक कोई पहुंचता ही नहीं है, सब वही किनारे पर आनंदित होकर के फिर से वही डूबने की तैयारी कर लेते हैं और फिर से रिवर्स गियर लगा लेते हैं और फिर उसी मजदार में पहुंच जाते हैं। जहां पर पहुंचने के बाद में एक छोटे से साहस की जरूरत रह जाती है, छोटा सा साहस। बड़ा साहस तो आप करके आए, दुनिया की मझधार पार करके आए, लेकिन कश्ती कहां डूबी?
वहां क्यों डूबी जहां पानी कम था। और यह बात सच है, इसलिए डूबी क्योंकि वहां पर हम गाफिल हो गए। हमने सोचा कि अब तो हम किनारे लगी गए, हमने सोचा कि अब तो हमने मंजिल पा ही ली, बस इतना सोचते सोचते ही हम प्रमाद में आ गए और हम डूब गए। यही वजह होती है कि आदमी मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के बाद में भी फिर से निगोद तक की यात्रा पर उतर जाता है। भूल गए निगोद, नरक निगोद की यात्रा, ये फेमस है, समझ आ रहा है? जैसे दिल्ली बॉम्बे फेमस रहता है, ऐसे ही नरक निगोद की यात्रा फेमस है। माने अगर आपने इतनी ऊंचाइयां प्राप्त कर ली हैं और वहां पर आने के बाद में आप गाफिल हुए, तो फिर सीधे नरक निगोद की यात्रा का भी वो पात्र बन जाता है। और वह क्यों बन गया? तो वहां पर आकर के उसे एक छोटा सा साहस और करना चाहिए था, एक हाथ पीछे और एक हाथ आगे। पीछे के लिए पीछे वाली चीजें पीछे करना और आगे के लिए आगे वाली चीज को पकड़ना, बस। और मुक्ति उस तट पर खड़ी थी और वो खड़ी रह जाती है। शायद कोई महापुरुष आए, सत्पुरुष आए, लेकिन वहां आने के बाद में सब कापुरुष बन जाते हैं। सुन रहे हो ना, कल शब्द आए थे ना, शब्द महत्व के हैं सभी। हाँ, सत्पुरुष माने इतना और साहस कर ले कि जो मिला है उसको और छोड़ दे एक बार, और फिर वह संन्यास को धारण कर ले जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, तो वह प्रशंसनीय हो जाता है। और वह चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य भद्रभाहु के पास पहुंच करके जब वह निर्ग्रंथ दीक्षा को धारण कर लेते हैं तो वह आत्म कल्याण में तत्पर हो जाते हैं, तो उनकी प्रशंसा की जाती है। और यह इतिहास है, सर्वत्र लिखा हुआ है, लेकिन यह बताया नहीं जाता। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि एक किताब जरूर पढ़ना जो चंद्रगुप्त मौर्य की डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यहां पर स्कूलों में उसकी परीक्षा चल रही है और वह बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। उसमें आप समझ सकोगे कि बच्चों के लिए भी अगर हम ये ज्ञान दे पाएंगे तो इसी तरह से दे पाएंगे, जब हम उन्हें थोड़ा सा कुछ पुरस्कार दें, कुछ हम उनको प्रलोभन दें, ताकि वो कम से कम उस निमित्त से पढ़ तो लें। यही बात जब आपके दिमाग में रहेगी तब आपको लगेगा कि हां, हम अपनी उस धरोहर के बारे में भी कुछ जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि पर कल्याण से ज्यादा महत्वपूर्ण स्वकल्याण होता है। ये अगर आपकी समझ में आ जाएगी बात, तो आप अपने जीवन में कुछ समय पर कल्याण के लिए भी निकाल लें, लेकिन अंत अंत में तो हमें स्वकल्याण के लिए, स्वहित के लिए समय निकालना ही चाहिए। तब ये तीर्थंकरों की वाणी, जिन वाणी जग कल्याणी, तब बनेगी। जगत का हर प्राणी अपना कल्याण करेगा तो कैसे करेगा? दूसरे के कल्याण करते करते कल्याण नहीं होता। आप सोचो, आचार्यों को भी अपने लिए उस आचार्यत्व की जो गरिमा होती है, जो पद होता है, उससे भी संन्यास लेना पड़ता है। माने सन्यासी को भी संन्यास लेने पड़ते हैं। ये बात सिर्फ और सिर्फ आपको जैन धर्म के अंदर मिलेगी। संन्यास का मतलब आप जिन कार्यों को कर रहे हैं उन कार्यों से मुक्ति लो। हर चीज का एक कार्यकाल होता है, प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति का भी कार्यकाल होता है। अगर आपका कार्यकाल पूरा हो गया है तो अब आप मुक्ति लो, और मुक्ति लेने के बाद में अब क्या करो? तो या तो आप दूसरों के लिए थोड़ी बहुत गाइडेंस देते रहो, जैसे कि पूर्व राष्ट्रपति करते रहते हैं, या फिर आप अपने आत्मित के काम में लग जाओ। तो पहले का जो व्यक्ति होता था, जीवन में ऐसा समय आने पर आत्मित के काम में लग जाता था, लेकिन आजकल के लोग तो नया स्टार्टअप शुरू कर लेते हैं। भाई, काम करते रहना है, नहीं तो बुढ़ापा आ जाएगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, जिंदगी निकालना कठिन हो जाएगा, तो आदमी काम में ही लगा रहता है। जबकि ये एक बहुत बड़ा काम था, इस काम को वो नहीं कर पाता। ये बताने के लिए ये वैराग्य शतक है, समझ आ रहा है? क्या कहते हैं आगे?
रे जीव, निसुनी सुन ले, ये सब तुझे जो मिले हैं ये सब चंचल स्वभाव वाले लोग हैं। जो भी तुझे बाहर की चीजें मिली हैं, सयल अमी बज्ज भाव, जो बाहरी जितने भी तेरे पास में पदार्थ हैं ये सब कैसे हैं? चंचल स्वभाव वाले हैं। और जो नौ प्रकार का नव भेय परिग्रह विभेय जाल, ये नौ प्रकार के परिग्रह का जो जाल है ये भी सब संसारी जीवों का इंद्रजाल ही समझना चाहिए। ये परिग्रह का जाल क्या है? इंद्रजाल है। इंद्रजाल का मतलब वही सतरंगी रंगों का एक आकर्षण। ये नौ प्रकार का परिग्रह यहां पर बताया गया है इस ग्रंथ में। कुछ कुछ विशेषताएं तो मिल रही हैं, सुन रहे हो? ज्ञान जिसे हम बोध कहते हैं, बोध तो मिल ही रहा है, बोध के साथ कुछ शोध परक बातें भी मिल रही हैं। आपको ध्यान हो तो एक दिन आपको बताया था इसी ग्रंथ में ये एक महत्वपूर्ण बात मिली थी कि नरकों से भी ज्यादा दुख निगोद में होते हैं। ये वैराग्य शतक की महत्वपूर्ण बात थी, सुन रहे हो? और उसी महत्वपूर्ण बात में ये भी एक महत्वपूर्ण बात जोड़ी जा सकती है जो यहां लिखी है, नौ प्रकार के परिग्रह। आज तक हमने कितने प्रकार के परिग्रह पढ़े? 10 प्रकार के परिग्रह पढ़े हैं। समझ आ रहा है? क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य प्रमाणातिक्रमा, नौ हो गए। अब कहीं कहीं तत्वार सूत्र के इस सूत्र के साथ में कुप के साथ भांड भी जोड़ दिया जाता है, तो भांड जोड़ेंगे तो 10 होएगा और नहीं जोड़ेंगे तो 9 होएगा। मतलब कि 9 भी प्रकार का परिग्रह होता है। ये आज तक मुझे रेफरेंस नहीं मिला, ये पहली बार मुझे ये वैराग्य शतक में रेफरेंस मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, सूत्र मिलता है लेकिन कहीं पर भी यह सूत्र नहीं मिला कि 9 प्रकार का परिग्रह होता है। 10 प्रकार का परिग्रह हर जगह लिखा हुआ है और उसमें 10 प्रकार के परिग्रह में कुप के साथ में भांड अंतर्भूत है, यह भी टीकाकारों ने लिखा, लेकिन किसी ने यह लिखने की हिम्मत नहीं की कि 9 प्रकार का परिग्रह होता है। यह वैराग्य शतक की बहुत बड़ी देन है जो मुझे सतना की देन के रूप में हमेशा याद रहेगी, है ना पंडित जी? सही बात, नई बात तुम्हें भी सब सभाओं में बताने के लिए कि 9 प्रकार का भी परिग्रह मान्य है। पुराने आचार्यों के द्वारा, ऋषियों मुनियों के द्वारा प्राकृत भाषा में लिखे इस ग्रंथ का रेफरेंस आप दे सकते हैं, गाथा नंबर 70। समझ आ रहा है? ये कितनी अच्छी बात है। और ये 9 प्रकार का परिग्रह भी सब यहां पर क्या कहते हैं, ये सब इंद्रजाल है। इसमें भी तुम कुछ सुख की प्राप्ति की इच्छा मत करो, क्योंकि जैसे जैसे तुम इसको पकड़ते जाओगे वैसे वैसे ये तुम्हारे सामने से नष्ट होता चला जाएगा। इसलिए आत्महित की इच्छा करने वाला व्यक्ति परिग्रह को बढ़ाने के चक्कर में नहीं पड़ता, आत्महित की इच्छा करने वाला व्यक्ति पर वस्तुओं को इकट्ठा और उसका संचय करने की स्थिति में नहीं पड़ता, वह पर वस्तुओं में एक हाथ मार करके क्या करता है, उन्हें पीछे छोड़ देता है और अगली मंजिल की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इसको कहा गया सत्पुरुषा, सत्पुरुष ये है ना। ऐसा सत्पुरुष बनते हैं तब आपके लिए ये भाव जरूर उत्पन्न होंगे कि हमें आत्महित करना चाहिए। और वही बात यहां पर इस पद्धरी छंद में अलग से 71 नंबर की कारिका में भी लिखी है, ये जो तुम्हारे प्रिय हैं, पुत्र हैं, मित्र हैं, घर हैं, घर को चलाने वाली घरनी है, जाया है, ये सब इस लोक में ये अपने अपने सुख स्वभाव वाले हैं। क्या है? हां, मतलब ये सब अपने अपने सुख स्वभाव के कारण से तुम्हारे साथ हैं। बात थोड़ी सी गलत सी लगेगी, क्या सुन रहे हो?
पत्नी साथ में क्यों रहती है? क्योंकि उसका सुख तुमसे जुड़ा है। पुत्र साथ में क्यों रहते हैं? क्योंकि उनका सुख तुमसे जुड़ा है। और वो जुड़ा है तो किस रूप में जुड़ा है? शरण के रूप में नहीं जुड़ा। उन्हें ये लग रहा है कि जब तक ये हैं, ये अच्छा कमाएंगे, अच्छा हमें खिलाएंगे, हमारा सुख इनसे है। देखो सही बात तो सही है, कभी कभी आंख बंद करके भी सुन लिया करो सही बात। नहीं समझ आया? आंख बंद करने का मतलब जब कोई बात हमें थोड़ी सी कड़वी सी लगती है, बुरी सी लगती है, तो आंखें आदमी बंद कर लेता, फिर भी कान से सुनने में आ ही जाता है। तो कभी कभी ऐसी सच्चाई थोड़ी सी आंख बंद करके भी सुन लिया करो। हा? जैसे कभी कोई बिल्ली होती है और बिल्ली पे मार पड़ती है तो बिल्ली आंख बंद कर लेती है, लेकिन फिर भी खाती तो वही रहती है, चाटती तो मलाई रहती है, लेकिन छोड़ती नहीं है। पता तो होता है उसे कि डंडा पड़ रहा है। उसी तरह से कभी कभी सच्चाई आप सुन लिया करो। और यह सच्चाई है, सब अपने अपने सुख के कारण बोलते ना, वो अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा, बस वही वाली बात है। अपने अपने सुख सबको दिख रहे हैं और अपने अपने सुखों के लिए सब क्या करते हैं? आपसे तरह तरह की मांग करते हैं, आपको तरह तरह से आगे बढ़ने के लिए भी कहते हैं, और आपको लगता है कि ये हमारे लिए हितकर हैं, लेकिन आचार्य कहते हैं इनमें कोई भी तुम्हारे लिए हितकर नहीं है, कोई भी तुम्हारे लिए शरण नहीं है, क्योंकि इनके निमित्त से जो पाप अर्जन किया जाएगा उसका फल तो तुमको अलग ही अपने अकेले ही भोगना पड़ेगा। और वो पाप इकल्लू सहसी, सुन रहे हो कल्लू? आजकल कल्लू अल्लू नाम नहीं होते है? कल्लू भाई पहले बड़े फेमस नाम हुआ करते, हर गली मोहल्ले में एक आध कल्लू तो हुआ ही करता था है? आजकल सुनने में नहीं आता कोई। तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए आप ही कल्लू बन जाओ हमारे लिए। तो यहां आचार्य कह रहे हैं कल्लू सब इकल्लू सहसी, इकल्लू माने अकेले ही सहन करना पड़ेगा। क्या? तिरी निरय दुख, तिरियंच गति के दुख, नरक गति के दुख तुम्हें सब अकेले ही सहन करने पड़ेंगे। तुम जितनी मायाचारी कर रहे हो, तुम जितना 2 रुपए के दोसा कमाने के लिए तत्पर हो रहे हो, तुम जितना दूसरों को ठग ठग करके अपना घर बढ़ा रहे हो, इन सब मायाचारी का फल तुम्हें त्रियंश गति में प्राप्त होगा। ये अकेले तुम्हें भोगना पड़ेगा, तब तुम्हारे कुटुंबी जन कोई भी तुम्हारे लिए बचाने वाले नहीं होंगे। अभी तो तुम्हें लग रहा है कि मैंने बेटे की पढ़ाई के लिए ऐसा कर लिया, अपना घर बनाने के लिए ऐसा कर लिया, अपनी पत्नी को सुखी बनाने के लिए ऐसा कर लिया, लेकिन ये सब भी तुम्हारे लिए दुख देने वाले अंततः सिद्ध होंगे। क्योंकि जब तुम्हें इन पाप कर्मों का फल भोगना पड़ेगा तो न त्रियंश गति में तुम्हारे साथ कोई होगा, न नरक गति में तुम्हारे साथ कोई होगा। समझ आ रहा है? इसलिए बहुत आरंभ, बहुत ज्यादा परिग्रह करने की ये लालसाएं और उसके निमित्त से किए जाने वाले अर्थ उपार्जन और उस अर्थ उपार्जन के निमित्त से होने वाले बड़े बड़े पाप, ये सब हमारे लिए दुख देने वाले हैं। इसलिए पर हित छोड़ करके, पर सेवा छोड़ करके, पर से मोह छोड़ करके क्या करो? आद हिदम कादब्बम, आत्मा का हित करने के लिए तत्पर हो जाओ। ये सीख हमें ये ऋषि मुनि दे रहे हैं। बोलिए महावीर भगवान की। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः, ओम
मरहम या मेरे ओ मरहम।